हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की नई और कमाल की वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस तरह से स्पेशल महाशिवरात्रि फोटो एडिटिंग करने के बारे में बताने वाला हूं। इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है, आप खुद की मोबाइल फ़ोन से कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पी सेट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर आप सबके पास पी सेट एप्लीकेशन नहीं है, पी सेट एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पी सेट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ मिल जाएगा प्लस का आइकन, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ऑल फोटोज, आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना है और एक बैकग्राउंड को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड इम्पोर्ट कर लिया, मैं अपने मोबाइल को रोटेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बैकग्राउंड PNG यूज करूँगा, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने फोटो एडिटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद आपको साइड में बहुत सारा टूल दिख रहा होगा, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ऐड फोटो का ऑप्शन, आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर खुद की फोटो यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे फोटो इंपोर्ट कर लिया है। इस फोटो का मैंने बैकग्राउंड पहले रिमूव कर रखा है। अगर आप सबको बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और बैकग्राउंड को इजीली आप एक सेकंड में फुल एचडी में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। साइड में आपको टूल दिख रहा है, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा फ्लिप रोटेट, आपको फ्लिप रोटेट पर क्लिक करना है और इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसको अपने अनुसार से इसको एडजस्ट कर लेना है। गाइज, मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। गाइस, डन करने के बाद साइड में सब टूल दिखा है, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक और PNG आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। दोस्तों, मैंने इस PNG को ऐड कर लिया। इस PNG को मैं पूरी फोटो पर एडजस्ट करूँगा, फुल फोटो पर, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक और PNG आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे फुल जूम करना है और नीचे की तरफ एडजस्ट कर देना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद गाइस फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद दो PNG को एक साथ ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं दोनों PNG को एक साथ ऐड कर ले रहा हूँ, दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। मैं दोनों को एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ये जय महादेव है, मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, और हर हर महादेव है, मैं इसको जूम आउट करके आपको यहाँ पर एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ मिल जाएगा ब्लेंड, ब्लेंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लाइट टेन कर देना है, ठीक है। ये लाइट टेन कर देना, ठीक है। और इसमें ही आना है और ब्लेंड पे क्लिक करना है और इसको भी आपको लाइट टेन कर देना है। लाइट टेन करने के बाद दोस्तों आपको साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा एरो का ऑप्शन, आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो कर लेना है सेव, और सेव करके इस फोटो को आपको लाइट एप्लीकेशन में ओपन करना है। दोस्तों, मेरा यहाँ लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अगर आप सबके पास लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं है, लाइटरूम एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ प्लस आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो फोटो सेव किया उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको फोटो पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे ऐड, आपको ऐड पर क्लिक कीजिएगा, फोटो यहाँ पर आपको ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको गाइस यहाँ मिल जाएगा ऑल फोटोज, आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना है और ऑल फोटोज पर क्लिक करने के बाद अभी जो फोटो ऐड किए हैं उस फोटो को आपको क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के साइड में बहुत सारा आपको टूल दिख रहा है, टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और चले आना है डायरेक्ट मिक्स टूल में, यानी कलर वाले ऑप्शन में आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को आपको बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा मिक्स टूल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ मिक्स देख रहे हैं, मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा सेकंड में जो कलर, उस पर क्लिक करना है, सिचुएशन को माइनस कर देना है, लुमिनस को बढ़ा देना है, ठीक है गाइज। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ब्लू, ब्लू पे क्लिक करना है, इसका सिचुएशन को बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद उसके नीचे आना है इफेक्ट वाले में, और इफेक्ट वाले में आने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके नीचे मिल जाएगा आपको ट्रेंगल, ट्रेंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नॉइज रेजोल्यूशन को आपको 70 राउंड रखना है, ठीक है। मैंने 70 रख लिया है। आपको यहाँ पे फोटो में सेव हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं पीसेट में कुछ इस तरह से था और लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कलर एडजस्टमेंट मैंने कर लिया है। फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन, को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा सेव टू डिवाइस, इस पर क्लिक करके फोटो कर लेना सेव। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।